बीएचयू में छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, अब जो छात्र परिसर के भीतर धरने पर बैठे हुए थे, अब वो गेट पर आ चुके हैं और इनकी मांग है कि शुल्क वृद्धि वापस ली जाए। 27 दिन हो चुके हैं धरने को और ये छात्र लगातार अपना आंदोलन यहाँ पर जारी रखे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि ये धरना और प्रदर्शन कब तक जारी रहे। देखिए, जब तक हमने आपको शुरू दिन भी ये अपनी मांगों के द्वारा बताया था कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करता है, अपना निर्णय नहीं देता है, तब तक हम निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं और तब तक ये धरना जारी रहेगा। मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि जो फीस वृद्धि की गई है उसको फीस वृद्धि वापस करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाए कि इस हिसाब से हर 3 साल 4 साल में फीस वृद्धि होगी। वो छात्रों के बीच में रहे ये फैसला। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, पब्लिक भी है, आप लोग अपना विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, क्या लग रहा है? प्रशासन का कोई नुमाइंदा मिलने आ रहा है कि नहीं आपसे? पिछले 26 दिनों से आज 27वां दिन है, हम छात्र संघ भवन पे धरने पे हैं। हमने अपनी मांगों पे अलग अलग तरीके से इनको बताने की समझाने की कोशिश की है, लेकिन इनकी संजीदगी ये है कि 26 दिन हो गए उस DSW छात्र संघ कार्यालय पे जहाँ पे हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, वहाँ प्रोक्टोरियल का या प्रशासन का कोई एक व्यक्ति नहीं पहुँचा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी मांगे क्या हैं, आप जीवित हो, मर गए हो, आप किस स्थिति में हो। आज जब हम इस गेट को बंद किए हैं तब की स्थिति यह है कि कल से DSW हो या चीफ प्रोक्टर हो, कल से हमसे बात कर रहे हैं, हम हमारे पास आ रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसी आवश्यकता थी कि ये इससे पहले, जब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गेट हम बंद नहीं करते तो हो सकता है कमेटी का भी हमको कुछ पता नहीं चलता कि कोई कमेटी बनी है, काम करेगी काम नहीं करेगी। हम जान रहे हैं कि आम जनमानस को इससे समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। हम भी इन्हीं सब लोगों के बीच से ही आए, हम किसी अडानी अंबानी के परिवार से नहीं है। ये विश्वविद्यालय महामना ने इस भाव से बनाया था कि गरीब से गरीब तबके का छात्र यहाँ आकर के पढ़े, लेकिन इस फीस वृद्धि को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि गरीब से गरीब और ये पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य आदिवासी क्षेत्रों से आने वाला छात्र यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ले पाएगा। स्थिति ये बनाई जा रही है कि सिर्फ उद्योगपतियों के बच्चे, सिर्फ बड़े, सबको पढ़ने का अधिकार है। हम नहीं कहते कि बड़े लोग पढ़े ना पढ़े, लेकिन जिस भावना के साथ विश्वविद्यालय बनाया गया था कि गरीब तबके का छात्र भी पढ़े, इस फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि गरीब छात्र पढ़ पाएगा। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि फीस वृद्धि को जल्द से जल्द कम किया जाए और हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए। तो आप देखिए, ये जो छात्र हैं BHU गेट को बंद करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब ये छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे तब BHU प्रशासन की नींद टूटी है। इनसे मिलने के लिए BHU प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर BHU प्रशासन इन छात्रों की मांग पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आखिर फीस वृद्धि की जो बात सामने आ रही है उसे पूरी तरह से छात्रों के सामने स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर BHU के VC क्या कर रहे हैं जब छात्रों का आंदोलन पिछले 26 दिनों को पूरा कर चुका है, 27वां दिन और 27 दिन भी हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में BHU VC छात्रों से दूर क्यों है? सवाल ये बड़ा है, देखना ये होगा कि क्या इन छात्रों की मांगों पर BHU प्रशासन ध्यान देता है या धरना यूं ही जारी रहता है और परेशानियां भी यूं ही जारी रहती हैं। आप देखिए, यहां पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है, जो लोग BHU परिसर में इलाज कराने आते हैं या फिर BHU परिसर के भीतर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं या फिर जो शिक्षा देने आते हैं, सबकी गाड़ियां हैं ये और ये छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इन छात्रों की मांगों को लेकर BHU प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।